एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी सारे ग्रुप्स हैं। आज ये दिन इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको नशा मुक्त होने से बचाया जाए। इससे हम लोगों को नुकसान होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें हानिकारक कीटाणु चले जाते हैं, जिसके प्रति जो जो इंसान है, जो बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वो नशे में इतनी जकड़ जाते हैं तो उनको बीमारियों का खतरा हो जाता है। इस कारण हम ये चाहते हैं कि इस रैली को निकाला जाए ताकि बच्चों को ये सीख दी जाए कि हमें नशा से मुक्त होना चाहिए, नशा करना बुरी बात है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन और SSP बड़गाम और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये काम आज अंजाम दे दिया, एक तहरीक चलाई ज़बरदस्त, उसकी जितनी भी सराहना की जानी चाहे हमें कम है, मगर जो भी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करेंगे हम उनके साथ हैं। आज उन्होंने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो काम, उनकी ज़िंदगी के लिए जो काम किया है और एक आवाज़ गांव गांव घर घर पहुंचाने की कोशिश की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो काम है। तो इसलिए मैं तमाम जवानों को, जो हमारे बच्चे हैं, उनको अपील करता हूं कि आप नशे से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि ये जो माँ होती है, पहले ये नशा जो है, ये बच्चे हमारे जो नशा करते हैं, पहले उनका खानदान जो है वो ज़बरदस्त मुतासर हो रहा है, उनकी माँ परेशान होती है, उनके बाप और सारे खानदान परेशान होते हैं। तो इसलिए एक माँ अपनी अपने बेटे को कह रहा है, तलावन मोत हथियार त्राव गोबरो, सुचुक त्रावान जानस दाव गोबरो, पक्षी पनुन खुदकश बनुन वन छनक मालिस तो माजे वाव गोबरो, सोसुक सान बागुक सोत बुलबुल, गशत अड़चोट थोत आम ताव गोबरो, मगर वन गवन सियर, मगर वन गवन सियर वल फेर वापस, ये वक्त जहर अलमास त्राव गोबरो, सठा मशहूर छुक जानान कशुर, करत पानस से यरव नाव गोबरो, ड्रग्स कर बनोमुत मर्द जन छुक, तो वारान बोंड हुंद छुक काव गोबरो, तलावन मोत हथियार त्राव गोबरो। मैं बहुत मशहूर हूँ जर्नलिस्ट एसोसिएशन बड़गाम का, जिन्होंने आज ये इनकलाबी इकदाम उठाया। थैंक यू कि लड़ेंगे तो जीतेंगे, जब हम इस बिदत के खिलाफ लड़ेंगे तो जीत हमारी इंशाल्लाह ज़रूर होगी। एक ज़बरदस्त समाजी मामला है जो शिद्दत के साथ हमारे समाज में बढ़ रहा है, हमारी नौजवान पीढ़ी को खा रहा है। हम चाहते हैं कि सारा समाज और समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी शख्सियात हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए और एक नैरेटिव पैदा करना चाहिए इसकी ड्रग के खिलाफ, ताकि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो इससे दूर रहे और समाज से इस बिद्दत को हम उखाड़ डालने में कामयाबी हासिल करें। अब तक हम बात करेंगे, हम आए दिन सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ SSP ताहिर सलीम साहब बहुत सारे काम हुए हैं। आज तक हम रोज़ देखते हैं कि जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको अंदर किया जाता है। इसके लिए हम पुलिस की भी सराहना करते हैं, वो जो इकदाम उठा रहे हैं ये वाकई सराहनीय इकदाम हैं उनके, और हम चाहते हैं कि इस सिलसिले को बिल्कुल शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया जाए, ताकि बड़गाम ही नहीं पूरी रियासत और पूरा मुल्क जो है ये इस लत से और इस बिदत से दूर हो जाए।